हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है जेस्चर नेविगेशन सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये जेस्चर नेविगेशन सेटिंग जो है कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा जेस्चर नेविगेशन। इस ऑप्शन के सामने एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे आपको सेलेक्ट करना है जिससे सेटिंग ऑन हो जाएगी। देखिए, ये सर्कल पे सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो मेरे मोबाइल फोन के नीचे तीन बटन आप देख रहे हैं ना, ये यहां से गायब हो जाएंगे जब मैं सर्कल पे सेलेक्ट करूंगा जो, ठीक है। देखिए ये देखिए, सर्कल पर ब्लू टिक मार्क लग गया और मेरे मोबाइल फोन के सबसे नीचे से यहाँ से तीन बटन गायब हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको अपने फोन को यूज कैसे करना है। आपके मोबाइल फोन का जो लेफ्ट साइड होता है, आपको ऊपर से नीचे कहीं से भी आपको किनारे से उंगली को ऐसे लाना है खींचते हुए, और इसे छोड़ देना है तो आपका फोन बैक पेज पे चला जाएगा। इसी तरीके से आप मोबाइल फोन के राइट साइड से भी ऐसे कर सकते हैं, मोबाइल फोन आपका बैक पेज पे चला जाएगा। अगर आपको अपने मोबाइल फोन को ओवरव्यू करना है तो आपको मोबाइल फोन के सबसे नीचे ब्लैक लाइन सी दिख रही है, ब्लैक पट्टी, इस पर आपको उंगली को रख के ऊपर ऐसे खींचना है तो आपका फोन भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है इस तरीके से काम करेगी, जेस्चर नेविगेशन सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना ये जेस्चर नेविगेशन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है ना, इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर जो है सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सिस्टम नेविगेशन आपको टाइप करना है, सिस्टम नेविगेशन। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको जो है सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इसे हाईलाइट करेगा। इस सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे तो अगले पेज में आपको जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।